السلام علیکم، آج ہمارا اگلا لیکچر ہے ویب ڈیولپمنٹ کا۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ شروع کریں گے فری ویب ہوسٹنگ سے۔ تو ویب ہوسٹنگ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ جو ہے ڈفرینٹ ہوسٹنگ یوز کر سکتے ہیں، وہ پیڈ بھی ہو سکتی ہیں، فری والی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم لوگ یہاں جو ہے فری سے شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ ویب سائٹ ہے www.zero.webhost.com، اس پہ جانا ہے۔ اس پہ جا کے آپ نے سائن ان پہ کلک کرنا ہے۔ فارم اوپن ہو جائے گا، اس کے بعد آپ نے سائن اپ کرنا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ کا اکاؤنٹ کو نہیں بنا رہا ہے، سب سے پہلے سائن اپ کرنا ہے۔ میں یہاں پہ اپنا ای میل لکھتا ہوں، اس کو یہ میں نے ای میل لکھا ہے، یہ میں نے پاس ورڈ لکھ دیا۔ کہ آپ کی کنفرمیشن ای میل جو ہے وہ سینڈ کی، ہم اپنے ای میل میں دیکھتے ہیں۔ تو میں یہ ایک ای میل آئی یہ ای میل آئی تو اس کو ہم ویریفائی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے ایڈر پہ کلک کریں گے، تو اس چیک باکس میں کلک کر دیں گے کہ اب ویب سائٹ کا نمبر لیٹس گو میں اپنا پاس ورڈ۔ پاسورڈ میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے پاس کیپٹل لیٹر، اسمال لیٹر، نمبر، یہ ساری چیزیں ضرور ہیں۔ دوبارہ Thank you.
ठीक है, ये तो उसके बाद दोबारा से हो गया इंस्टॉल। अब इसके बाद में जाते हैं दो नोटिफिकेशन पेज। यहाँ पर हमने एडमिन यूजर नेम और ये पासवर्ड रखा है। अच्छा ये देखिए हमारे पास ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। सबसे पहले हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे प्लगइन। प्लगइन किस लिए होते हैं कि जो भी अपनी फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी, जो भी अपनी वेबसाइट पे काम करना है वो प्लगइन को यूज़ करके कर सकते हैं जी। तो हम ये अब डैशबोर्ड पर देखिए इसके नीचे हैं प्लगइन। प्लगइन के नाम तो एडमिन पर क्लिक कीजिए। एडमिन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास प्लगइन का। तो हम लोग यहाँ पे एलिमेंटर पे काम करेंगे। ई एल डी ई टी ओ एलिमेंटर इसको फर्स्ट कर। ये हमारे पास एलिमेंटर पेज बिल्डर आ गया, हमने इसको इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद हमने इसे एक्टिवेट किया। अगर आप इसके थ्रू डायरेक्ट पेज भी बनाते हैं वो बना सकते हैं, लेकिन हम लोग इसके बाद थीम्स इंस्टॉल करते हैं। तो थीम के लिए आपने ऑप्शंस में जाना है और ये थीम्स पे क्लिक करना है। थीम्स पे क्लिक करेंगे
तो ये अपडेट पेज हो रहे यहाँ पे थीम्स हैं, क्योंकि ये भी थीम्स हैं, लेकिन मैं जैसे मैंने कपड़ों पर क्लास में डिस्कस किया, मैं दूसरी थीम यूज़ करूँगा जिसका नाम है पास्टर। और एड में पे क्लिक किया हमने, अपलोड थीम का भी आ रहा होगा। ये तो अपने ग्राफ में खुद ही कहीं बनाई है इंटरनेट से भी, उसको भी हम अपलोड कर सकते हैं। सर थीम में जो थीम को हम लिखा हुआ ये ऑस्ट्रा, इसको मैंने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद मैंने सब की वेट कर वेट करने के बाद ये इसके बाद मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया। ये गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, एक्टिवेट हो रही है। अब हम देखते हैं इसके टेम्पलेट्स, पेज बिल्डर हमने कौन सा यूज करना है। एलिमेंटर अब ये सारे इसके टेम्पलेट्स हैं, फ्री भी हैं, पेड भी हैं। मैं फ्री में देखेंगे, फ्री में है एक सीधा नीचे इसको मैंने चेक किया, मैंने ये इंपोर्ट टेम्पलेट सेट को क्लिक किया और ये डिलीट टू इसलिए इंपोर्ट से, मतलब जितने पहले इसके अंदर टेम्पलेट्स वगैरह हम लोग सारे डिलीट हो जाएंगे, अब सब फ्री हो जाएगा। मैंने इंपोर्ट पर क्लिक किया, ये भी इंपोर्ट हो रही है सारी साइड। ये हम कुछ सारी आपकी इंपोर्ट हो गई, इसका व्यू सेट हो गया, तो जो हमारी साइट है वो कुछ इस तरह की दिखेगी। तो हमारा आज का लेक्चर, इसके बाद जो हमने सीख ली है सारी हेडर फुटर स्लाइडर सारी चीज़ें, मैं इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वो करेंगे। तो आज के लिए भी Thank you so much. Love you.